अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शेबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शेबी सईद ब्लॉग इंजॉय नहीं किया है तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शेबी सईद ब्लॉग इंजॉय। तो आज मुझे जाना है अभी अपने कॉलेज मार्कशीट लेने, क्योंकि मार्कशीट आ चुका है और फिर जब मार्कशीट आया तो दूसरे कॉलेज सबमिट करवाने ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, क्योंकि उधर भी एग्जाम होने वाला है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। दोस्त को कॉल किया था, दोस्त ने कहा कि चलो आ जाओ, मैं रेडी हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कॉलेज में अगर ब्लॉग बने, क्योंकि ऑफिस में ब्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होगा। तो चलते हैं अब सीधा। अस्सलामुअलैकुम सर। मोहम्मद शुएब। कॉलेज से मार्कशीट लेकर आ गया हूँ। ये रहा मार्कशीट नंबर, तो नहीं दिखाना है किसी को क्योंकि इंस्टा स्टोरी लगाया था। आप लोग वहाँ पे, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी है या नहीं देखा। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है मेरी, तो अभी मैं ये रख रहा हूँ, जा रहा हूँ शॉप, क्योंकि टाइम हो रहा है शॉप जाने का। मैं शॉप गया तो पापा ने काफ़ी ज़्यादा डांटा कि तुम्हारा बाल इतना बड़ा हो रहा है, जाकर सेट करवाओ। तो मैं भी आया हूँ अपना हेयर वगैरह सेट करवाने। पूरा तो कटवाऊँगा नहीं, खाली साइडों से थोड़ा बहुत सेट करवाऊँगा, क्योंकि जब पिछली बार आया था तो सेट नहीं करवाया था, सिर्फ खत बनाया था। तो अभी अपना हेयर वगैरह सेट करवाऊँ जल्दी से। हेयर कट वगैरह कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं जल्दी से घर। अब जा रहा हूँ शावर लेने और फ्रेश वगैरह हो जाऊँ। और अभी तक खाना नहीं खाया क्योंकि दोस्त के साथ बाहर खा लिया था इस वजह से। तो अभी फ्रेश वगैरह होकर आऊँ, अभी टेरिस पर जाऊँगा। फ्रेश होकर आया हूँ तो खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था। सिस्टर ने मेरे लिए एप्पल का जूस और बनाने का जूस बनाया है और साथ फालूदा। जल्दी से मैं ये खा के टेरिस पर जाऊंगा। और मुझे आज इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। जब टेरिस पर जाऊंगा तभी आप लोगों को बताऊंगा कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है। सबसे पहले मैं ये खा पी के फिनिश करूं, जूस वगैरह पी लूँ पहले। खा पी कर फारिग हो गया, अब चलता हूँ सीधा टेरिस पर, देखता हूँ और आप लोगों को भी कुछ दिखाता हूँ। हुआ कुछ यूँ सीन है कि जितने भी तोते लेकर आया था संडे वाले दिन, वो दोबारा सारे उड़ चुके हैं और पिंजरा खाली हो गया पूरा। इसी वजह से मुझे इतना तेज़ गुस्सा आ रहा है ना, जब लेकर आ रहा हूँ तब उड़ जा रहा है। और ये उड़ा भी कहाँ से, मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिंजरे का कोना है, इधर ना चूहे ने सुराख कर दिया था। पता नहीं अब चूहा कहाँ से आया टेरिस पर, तो उसने ये सुराख किया था। तो ये लोग ना यहाँ से ऊपर आए और ये वाला डोर ओपन हुआ था, यहाँ से ये लोग सारे उड़ गए। सुबह सुबह मैं सो रहा था तो पापा ने उठाया कि जाओ दूसरे रूम में जाके सो जाओ, क्योंकि मैं उठता 12-1 बजे हूँ। मैं जैसे ही दूसरे टेरिस में दूसरे रूम में जा रहा था तो मामा ने पापा को कहा कि ऊपर तोते नहीं हैं। तो अचानक से मेरा आँख खुल गया, मैंने कहा कि क्या हुआ। मामा ने कहा कि जितने भी तोते थे वो सारे उड़ चुके हैं। उस टाइम मैं देखने नहीं आया, इतना तेज़ दिमाग घुमा हुआ था। फिर मैं सो गया था, उठा फिर कॉलेज वगैरह चले गया। अभी आगे देखा हूँ तो सच में नहीं है, सारे उड़ चुके। पापा ने कहा कि नहीं दोबारा लेकर आना, इसको मैं सही कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, अब बिल्कुल भी दोबारा नहीं लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ मुझे और सारे उड़ भी गए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जब लेकर आ रहा हूँ तब उड़ जा रहा। मैं हेयर कटवाया और खत वगैरह बनाया, इंस्टा पे पिक्चर अपलोड किया, आप लोग इंस्टा पे जाके देखें। तो दोस्त स्टोरी लगाया था, कुछ रील्स था वो स्टोरी लगाया था, तो दोस्तों ने कहा वाह यार बड़े चिकने लग रहे बड़े पप्पू बच्चे लग रहे हो बिल्कुल, हेयर वगैरह कट करवा लिया। मैंने बोला हाँ यार, पापा डांट रहे थे तो इस वजह से हेयर साइड वगैरह से बस छोटा करवाया, ऊपर से नहीं करवाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे अपना वीडियो वगैरह अपलोड करने। आजकल रात में थोड़ा बिजी हूँ तो इस वजह से थंबनेल वगैरह कुछ बन नहीं पा रहा है, इसी वजह से शाम में
थंबनेल बना के वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, और अभी बनाना है सबसे पहले थंबनेल। आज का थंबनेल मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, आप लोग जाके खुद देख लेना वीडियो के कौन सी वीडियो अपलोड किया। ये देखो, दिखा 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 नहीं दिखा, थोड़ा सा दिखा होगा वो मैं नहीं, चलो क्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं करूँगा एडिट करते हुए, बस आप लोग जाके देख लेना कि कौन सा वीडियो अपलोड किया। एक झलक आप लोगों को दिखा दिया, और जो व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ वो भी नहीं दिखाऊंगा कि कौन सा व्लॉग है, क्योंकि अभी 5-6 दिन से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि ये वाला व्लॉग अपलोड हो रहा है, ये वाला व्लॉग अपलोड हो रहा है, लेकिन आज नहीं बताऊँगा, आप लोग जाके खुद देख लेना। सबसे पहले मैं कर लूँ वीडियो अपलोड जल्दी से। व्लॉग अपलोड कर चुका हूँ, अब जल्दी से करता हूँ लैपटॉप ऑफ अपना, और फिर अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, मुझे कुछ काम है, और आज रात में ऑनलाइन के हवाले से कुछ जो पॉडकास्ट किया था उसी में वही है हमाद, तो उसके साथ आज कुछ ऑनलाइन मीटिंग वगैरह है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत जल्दी बताऊंगा कि आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज शाम में रात में जाऊंगा 9 बजे, उससे कुछ काम वगैरह मीटिंग वगैरह करनी ऑनलाइन के बारे में, फिर जैसे ही काम सेट होता है आप लोगों को भी बता दूंगा कि आप लोग ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल मैं शॉप जा रहा हूँ, और फिर शाम में रील्स वगैरह शॉप पर ही बैठ कर इंस्टा पर अपलोड करूँगा, आप लोग इंस्टा पर जाके फॉलो कर ले। और एक और इंस्टा आईडी बनाया हूँ जिसमें रील्स होता है बट वो व्लॉग का होता है, शॉर्ट्स व्लॉग जो होता है ना उसका रील्स वगैरह होता है, जिसका वो इंस्टाग्राम नेम है वो है शेबी व्लॉगर के नाम से, तो आप लोग वो भी इंस्टा पे जाके फॉलो कर लें उस आईडी को, तो आप लोगों को उसमें शॉर्ट्स वगैरह व्लॉग मिलेगा। मैं शॉप चले गया था, अभी फारिग होकर आया हूँ, तो अम्माद की कॉल आई है 9 बज रहा, तो अम्माद ने कहा कि यार आ जाओ, तो अभी मैं जा रहा हूँ अम्माद के पास, देखता हूँ क्या मीटिंग वगैरह होता है, फिर आप लोगों को भी बताते रहूँगा और अपडेट्स दूंगा इंस्टाग्राम में कि ऑनलाइन वर्क के बारे में कब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग किस तरह ऑनलाइन वर्क अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अम्माद के पास। अम्माद के पास से आ चुका हूँ, तो मीटिंग ये हुई है कि कल है एक ज़बरदस्त सेमिनार, तो कल जो व्लॉग बनेगा वो परसों अपलोड होगा, उस सेमिनार में आप लोगों को ऑनलाइन वर्क के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएगी, और काफ़ी अच्छा ये ऑनलाइन वर्क है, मैं पहले इसमें वर्क करूँगा फिर इंशाल्लाह आप लोगों को भी बताऊँगा, आप लोग भी इस पर काफ़ी अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी इंस्टा पर मुझे फॉलो करें, वहाँ पे आप लोगों को सारी अपडेट्स मिलेगी, और ऑनलाइन वर्क आप लोगों को सिखाया जाएगा, बाकायदा मैं आप लोगों को ऑनलाइन वर्क सिखाऊँगा, पहले मैं इस पर काम करूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को भी सिखाऊँगा ऑनलाइन वर्क। तो परसों वाला आपने ब्लॉग लाजमी देखना है, क्योंकि सेमिनार काफ़ी अच्छा होगा, और जो हमारे बॉस जो है उनसे भी आपको मिलाऊँगा, वो आपको ऑनलाइन वर्क के बारे में बताएंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अब व्लॉग भी आएगा और ऑनलाइन वर्क के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, तो जल्दी कर लें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।